नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कोलकाता नाइट राइजर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में, जिस मुकाबले में शानदार वाली लाजवाब जीत मिली है। दूसरी तरफ से आपको बता दें, इस मैच के बारे में देखिए, जब कोलकाता नाइट राइजर्स को जीत मिली और डायरेक्टली वो फाइनल में गए, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के काव्या को देखिए बयान। आपको बता देते हैं, देखिए काव्या लिवहार ने देखिए इस मैच को कोलकाता नाइट राइजर्स से हार के बाद रो पड़ी काव्या। जैसे ही आपको बता दें, कोहली फायर वाली मुकाबले को हारे, उसके बाद रो पड़े और फिर धोनी के मदद के मांगी और जो कहा गुहार लगाई, सुन के आप सभी करोगे सलाम। आपको बता दें, इस मैच में श्रेयस अय्यर ने 58 रनों की पारी खेल दिए 24 गेंदों में, वेंकटेश अय्यर ने 28 गेंदों में 51 रनों की पारी। उससे पहले इस मैच में मिचेल स्टार्क की 3 विकेट। इसने कहीं ना कहीं तीनों खिलाड़ी ने सनराइजर्स हैदराबाद को चारों थाने जीत किया और हराया है और अपने टीमों यानी कि आपको बता दें कोलकाता को जिताया है। कोलकाता को जिता के लिए तीनों खिलाड़ी ने जी जान लगा दी और अंत अंत तक के जाकर को मैच को ले गए और जिता दिए 13 ओवर 4 गेंद में ही। उसके बाद इस मैच में आपको बता दें काव्या मरण कर रहे हैं, यानी कि आपको बता दें काव्या कह रहे हैं, धोनी भैया प्लीज मेरे टीम को बचाओ, यहां पर ही सनराइजर्स हैदराबाद को सब ने पेल रखा है। और आपको बता दें, इस मैच में शानदार वाली कोलकाता को जीत मिला है। कोलकाता को शानदार जीत से काफ़ी ज़्यादा नाराज दिख रही है काव्या, क्योंकि काव्या जानती थी इस मैच को जीतने बाद हम फाइनल में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां पर उनकी टीम हारी और फाइनल से पिछड़ गई। लेकिन पिछले बार ऐसा ही हुआ था, गुजरात टाइटंस ने हारा था और उसके बाद गुजरात टाइटंस ने जीत गया था और उसके बाद उनकी कहानी समाप्त हो गई थी।